ये देखिए, ये वेज पुलाव जिसे मैंने रेगुलर राइस से ही बनाया है, जिसे हम रोज़ रेगुलर में कुक करते हैं। हमें बासमती राइस की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपके घर में भी जो रेगुलर राइस है उससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ में मैंने वेज रायता बनाया, जिसके साथ तो इसका टेस्ट और 2 गुना बढ़ जाता है। वीडियो को स्किप मत करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, पूनम स्वागत करती हूँ आपको कुकिंग पैशन बाय पूनम साहू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और मैंने ये रेगुलर राइस लिया है, जिससे हम रोज़ बनाते हैं अपने, जब हम दाल चावल बनाते हैं। ये देखिए, आपको भी बासमती चावल की ज़रूरत नहीं है, बट आपका भी ये मटर पनीर पुलाव इतना लाजवाब बनेगा, जब भी आप बनाएंगे ना, आपके घर में सभी प्लेट चाट चाट कर खाएंगे। अगर आप बासमती लें तो उसे आप 2-3 पानी से वाश करके 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर लें। अगर आपका नॉर्मल राइस है तो आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं। और मैंने ये फ्रोजन मटर लिया है, आपके पास हरा मटर हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। और मैंने ये पनीर को क्यूब में कट कर लिया है। आपको ऐसे क्यूब में बड़े पीसेस में ही कट करना है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और छोटे साइज़ का गाजर भी मैंने ऐसे, ये देखिए, बहुत बड़े पीसेस में नहीं कट करना है। और मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज भी, जैसे अनियन पकौड़े बनाते हैं ना, स्लाइस में कट कर लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया, और मैंने थोड़े से ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिस इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, रिच लगता है बिल्कुल पुलाव। बट आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। और मैंने ये 3 लौंग, 1 छोटा दालचीनी टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1/2 मैंने ये चक्रफूल लिया है, और 1/2 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग ली है मैंने, और रेगुलर सॉल्ट लिया है। और मैंने ये 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर लिया है, और मैंने 4 ये हरी मिर्च 20 से कट लगा कर लिया है। और रायता बनाने के लिए मैंने ये दही जमाया है। आपको दही से ही बनाना है ये वेज रायता। अगर आप छाछ से बनाएंगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो टेक्सचर पतला होता है। तो आप दही से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा आपका रायता बनकर तैयार होगा। और इसके लिए जो मैंने ये सब्जियाँ ली हैं, ये एक मैंने खीरा लिया मीडियम साइज़ का, मीडियम साइज़ का प्याज, और 1 हरी मिर्च कट करके ली, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी कट किया। ये देखिए, इसका पल्प आपको हटा देना है, आप गाजर भी डाल सकते। और ये मैंने रायता मसाला लिया, मेरा होममेड है। और मैंने रेगुलर सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और 1/3 से भी कम ये मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च ली है। अगर ना हो तो आप फाइन वाली भी डाल सकते हैं। और इससे हम वेज रायता बनाएंगे। और मैंने ये 1/2 लेमन लिया है, इसको हम पुलाव में यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा ना, पुलाव हमारा चिपचिपा नहीं बनेगा और बिल्कुल किला किला बनेगा। चलिए, सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल मैंने डाला है, इसमें पनीर को रोस्ट करेंगे। आप घी भी ले सकते हैं, या 1/2 घी 1/2 ऑयल मिक्स करके भी ले सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। बट मस्टर्ड ऑयल आप ना डालें जब पनीर को फ्राई करें। और गर्म होने देंगे, गैस का फ्लेम हाई है। और आपको पनीर एक एक पीस करके डालना है, क्योंकि हम इनको सेलो फ्राई करेंगे ना, तो जिससे एक साइड से ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी, तो हम दूसरे साइड फिर इसको एक एक करके पलट देंगे। आप स्पून या फोक से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है मैंने, जिससे एक साथ ये जले नहीं। और देखिए, दोनों साइड से ये सेलो फ्राई हो गई, तो इसको निकाल लेंगे प्लेट पर। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल फुल गर्म है। हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। आप गैस ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए, झटपट मैंने निकाल लिया, क्योंकि बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है वेज पुलाव में। और देखिए, मेरा ऑयल परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो निकाल सकते, कम लगे तो आप बढ़ा सकते। और घी और ऑयल जो भी लेना चाहें, ये टोटली ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। और सबसे पहले मैंने होल स्पाइसेस डाले हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इनको स्किप नहीं करें। और आप पहले जीरा और हींग को डालें। फ्रेंड्स, मैं भूल गई, तो मैंने पहले प्याज डाल दिया है, सॉरी फ्रेंड्स। बट आप पहले जीरा और हींग को डालें, बट कोई नहीं, मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। गैस का फ्लेम आप थोड़ा हाई कर लें, जैसे मीडियम था तो आप हाई कर लें। और मैं हींग और जीरा को भी डाल दूंगी, बट आप पहले ही डालें, होल स्पाइसेस डालने के बाद आप इसको डाल लें। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और प्याज को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें मीठापन रहने देंगे, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में।
वैसे आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप स्किप करना चाहें, अगर आप लाइक नहीं करते हैं, बट जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना तो देखते नहीं कितनी अच्छा मीठापन उसमें आता है, तो वो डालते हैं, तो मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस से बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने डाला है। और मैंने गाजर भी डाला है इसमें और हरी मिर्च को भी डाल दूँगी। हरी मिर्च आप पहले नहीं डालें, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाएंगी, तो आप जब सब्ज़ियाँ डाल दें तभी डालें। और मैंने नमक भी डाल दिया था गाजर डालने के बाद, इससे क्या होगा प्रॉपरली हमारे सब्जियों में नमक का फ्लेवर भी आ जाएगा और सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो आप सब्जियों के बाद में डाल दें। और मैंने मटर को भी ऐड कर दिया है, गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है जिससे इसमें जो अगर पानी हो ना तो वो ड्राई हो जाएगा। और मैंने इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर को भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पुलाव मसाला हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं, ना हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं मेरी तरह। और मैंने राइस को जस्ट अभी वाश किया है, अगर आप बासमती लें तो उसे 15 से 20 मिनट के लिए सोख कर लें, पहले धो लें 2-3 पानी से, फिर उसे सोख कर लें, फिर आप बनाएं। बट रेगुलर राइस हो तो उसे आपको सोख नहीं करना। ये देखिए, अब इस कटोरी से ही मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, तो मैं इससे ही इसमें 4 कटोरी भर के पूरा पानी डालूँगी। बट एक बार चेक कर लूँगी, अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा हम और इसमें डालेंगे पानी। और देखिए, ये लेमन जो लिया था ना इसके बीज हटा दें, इसको डाल देंगे हम, इससे क्या होगा ना हमारा पुलाव चिपचिपा नहीं बनेगा। आप कोई कटोरी या कप सेट कर लें, बट आप बासमती राइस लेंगे तो उसमें पानी अलग लगेगा, दोनों का आप सेम ना रखें, और रेगुलर राइस में पानी का क्वांटिटी अलग लगेगा। मैंने इसमें 2 गुना के अकॉर्डिंग डाला है, 2 कटोरी मेरा राइस था तो मैंने 4 कटोरी डाला है, बट अभी मुझे इसमें सब्जियां भी यूज़ की हैं मैंने, तो उस अकॉर्डिंग कम लग रहा है, तो मैं इस कटोरी से इसमें अभी 1/2 कटोरी जितना पानी और डालूंगी, नहीं तो ये कच्चा रहने के चांसेस हैं, क्योंकि सब्जियाँ भी हैं वो भी अब्जॉर्ब करेंगी। और गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी जिससे इसमें एक बॉयल आ जाए जल्दी से, फिर उसके बाद हम इसको मीडियम करेंगे, मीडियम पर ही कुक करेंगे। और कवर कर दिया, अगर आपको लगे ये बॉयल आने के बाद निकलेगा तो थोड़ा सा आप इसमें साइड में स्पेस दे दें। और ये देखिए बॉयल आ गया है ना, आपको ज़्यादा टाइम के लिए कवर नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए कवर करें, बीच में चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम पर ही से 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, बीच बीच में आप चेक करते रहें जिससे ऐसा ना हो कि एक साथ पानी इसमें से ड्राई हो जाए तो आपका पुलाव कच्चा रह जाएगा। और रियली फ्रेंड्स, जब आपको कभी कभी बोरियत होती ना रेगुलर खाने से और बहुत ही आसान सा कुछ खाने का मन हो, बट चटपटा सा और बहुत ही डिलीशियस कुछ खाने का मन हो, तो इस पुलाव को आप ट्राई करके देखिएगा। और मैंने तो रेगुलर राइस से ही आपको बनाना बताया, आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए, पानी इसमें ड्राई हो गया, मैंने इसे 2 से 3 मिनट बाद ही खोला था। और गैस का फ्लेम अब मैंने लो कर दिया है क्योंकि पानी इसमें अब नहीं है तो जलने के चांसेस रहेंगे, तो अब इस पर मैंने ये जो ड्राई फ्रूट और पनीर सेलो फ्राई किए थे इनको इस पर डाल देंगे। और अभी हम ऊपर ही रखेंगे इसको, एक बार कवर कर देंगे, फिर हम 1 से 2 मिनट बाद इसे एक बार फिर से चलाकर इसको अंदर कर देंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये कवर हो जाएंगे तो ये पनीर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ेंगे, और आप इसे वेट भी रख सकते हैं जिससे इसका एयर बिल्कुल बाहर ना जाए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, इसे दम देना कहते हैं। इससे क्या होगा ना हमारा राइस बिल्कुल खिला खिला हो जाएगा। और चलिए, इतने हमारा राइस दम पे है, इतने हम रायता के लिए दही को मैंने मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब इसमें सारी सब्जियाँ डाल देंगे, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, अपने मनपसंद जो भी सब्जियाँ डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें। और रियली फ्रेंड्स, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बन जाते हैं ये दोनों रेसिपी, तो आप ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, रेगुलर खाने से हम बोर हो जाते हैं रोज़ वही दाल सब्जी रोटी खाकर, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने रायता मसाला, थोड़ी सी मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च और ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट डाला है। आपके पास मोटी कुटी लाल मिर्च ना हो तो आप फाइन वाली भी डाल सकते हैं, रायता मसाला ना हो तो आप थोड़ा सा जीरा को रोस्ट करके उसे ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाला और मैंने थोड़ी सी मिंट की पत्तियाँ कट करके डाली हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रायते में, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, 4 से 5 पत्तियाँ आप फाइन चॉप कर लीजिएगा। और देखिए, मेरा रायता बनकर तैयार, मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी जिससे ये ठंडा रहे, बिल्कुल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये और हेल्दी भी है,
तो आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को भी। और देखिए हो गया है मुझे 2 से 3 मिनट जितना टाइम, ये देखिए मैंने इसे बीच में चला दिया था, जो मैंने पनीर और ड्राई फ्रूट थे उनको कवर कर दिया था जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए पुलाव हमारा ये बिल्कुल किला किला बनकर तैयार है। और आप इसमें हरा धनिया भी इसी स्टेज पर डाल सकते हैं या आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और चलिए आप प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए रेगुलर राइस से भी कितना खिला खिला हमारा ये मटर पनीर पुलाव बना है कि आप किसी को भी सर्व कर देंगे तो लोग मांग मांग कर खाएंगे। और इसके साथ में मैंने ये वेज रायता बनाया है, आप इसे किसी भी पिकल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या विदाउट पिकल रायता ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये मटर पनीर पुलाव और ये वेज रायता की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। और ये देखिए कितना लाजवाब बना है कि किसी को भी खिला देंगे, बच्चे बड़े और गेस्ट भी आएंगे, आप उनके लिए भी बनाकर सर्व कर देंगे तो आपसे रेसिपी पूछकर ज़रूर जाएंगे। अगर अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो लाइक बटन को प्रेस करके प्यारा से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और ये देखिए ये वेज रायता जिसे आप रेगुलर भी बनाकर खाएंगे तो रेगुलर खाने के साथ भी ये स्वाद को बढ़ा देगा रेगुलर खाने के। और आप इसे पूरी पराठे राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और आप सभी भी बनाएं खाएं और इंजॉय करें और फीडबैक ज़रूर बताना बनाने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू फैमिली। अगर आपने मेरी ये वाली रेसिपी नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पर देखिए और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।